नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। राजधानी पटना में पहले 5 कोरोना पॉजिटिव मिले थे, 5 ठीक हो गए, जिला कोरोना फ्री हो गया था। लेकिन कल फिर से 1 कोरोना पॉजिटिव मिला है पटना के सुल्तानगंज इलाके से, जिसके बाद राजधानी पटना में एक बार फिर से दहशत का माहौल है। सुल्तानगंज में अभी क्या कुछ हो रहा होगा, लोग कैसे जी रहे होंगे, इस बात की जिज्ञासा हर किसी के मन में होगी। लाइव सिटीज आपको सबसे पहले सुल्तानगंज की तस्वीरें पहुंचा रहा है। शाम 5 बजे की तस्वीरें लाइव आप अपनी मोबाइल स्क्रीन्स पर, कंप्यूटर स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, जहां पर सुल्तानगंज को सैनिटाइज किया जा रहा है। जी हां, वही सुल्तानगंज जिसके कई सारे इलाके सील कर दिए गए हैं, बाकी के बचे इलाकों को सैनिटाइज करने का काम चल रहा है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो राजधानी पटना के सुल्तानगंज इलाके की है। सुल्तानगंज के दरगाह रोड की तस्वीरें आप देख रहे हैं, पत्थर की मस्जिद की तस्वीरें हैं, टेकारी रोड होते हुए नौघरवा, साथ ही साथ सुल्तानगंज थाने की तस्वीरें हम आपको पहुंचा रहे हैं, जहां पर नगर निगम जोरों शोरों से सैनिटाइजेशन का काम कर रही है। सुल्तानगंज में 1 कोरोना का पॉजिटिव मरीज मिला है कल, यानी कि 15 अप्रैल को, जिसके बाद राजधानी पटना में एक बार फिर से दहशत का माहौल बन गया है। लोग डरे हुए हैं। सुल्तानगंज में कई सारे इलाके सील कर दिए गए हैं, उन इलाकों में जरूरी सामान खरीदने को निकलने के लिए भी इजाजत नहीं दी गई है। जैसा कि हमने आपको बताया, सुल्तानगंज के कई सारे इलाकों को सील कर दिया गया है। उनमें से सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मेवालाल साव की गली, फ्रेंड्स कॉलोनी, कटरा इलाके में लोगों को आने जाने पर पूरी तरह से रोक है। लोग बाहर अंदर नहीं जा सकते हैं। इन इलाकों के लोगों को पहले पूरी तरह से स्क्रीनिंग करानी होगी, खुद की, सरकार की मदद करनी होगी, खुद से सामने आकर स्क्रीनिंग करानी होगी, खुद का जांच करवाना होगा, फिर ही इन लोगों को घरों से बाहर निकलने की इजाजत दी जाएगी। तब तक इन इलाकों में संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, एक तरह से कर्फ्यू का माहौल है। कोई जरूरी सामान खरीदने के लिए, यहां तक कि दूध और सब्जियां खरीदने के लिए भी घरों से बाहर नहीं निकल सकता है। अगर ज्यादा जरूरत पड़े तो प्रशासन इनकी मदद करेगी, लेकिन खुद से लोग घरों से बाहर ना निकले, इसका पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो सुल्तानगंज की है, पटना के सुल्तानगंज की, जहां पर कल यानी कि 15 अप्रैल को 1 कोरोना का पॉजिटिव मरीज पाया गया है। कुल संख्या पटना जिले में पॉजिटिव मरीजों की 6 हो गई, जिसके बाद 5 लोग रिकवर करा लिए गए थे और अब 1 एक्टिव केस है पटना में। मामला सुल्तानगंज का है। सुल्तानगंज के मरीज का कनेक्शन बताया जाता है नवादा के पॉजिटिव मरीज से, जिसका ससुराल है सुल्तानगंज। वो कुछ दिनों पहले सुल्तानगंज आया था, जिसके बाद पॉजिटिव मिलने के बाद पता चला कि उसका रिश्ता सुल्तानगंज से है, तो वहां के लोगों की भी स्क्रीनिंग की गई, 21 लोगों की जांच कराई गई, जिसके बाद 1 व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया। स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट है और लोगों की छानबीन और लोगों की खोज की जा रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि ये तमाम लोग किन किन लोगों से मिले हैं, किसका कहां तक कनेक्शन है, और कोरोना के चेन को ब्रेक करने में सहायता मिल पाए। लाइव तस्वीरें लाइव सिटीज आप तक पहुंचा रहा है, जिसके बारे में आप सोच रहे होंगे कि सुल्तानगंज का माहौल कैसा है। बिल्कुल, तस्वीरों में आप जैसा देख रहे हैं माहौल वैसा ही है। लोग डरे हुए हैं, घरों के अंदर है। डरना भी जरूरी है, क्योंकि अभी का वक्त डरने वाला ही है। आज अगर आप डरेंगे तो कल को सुरक्षित रहेंगे। सुल्तानगंज की तस्वीरें हैं, एक बार फिर से आपको हम बता दें, सुल्तानगंज के दरगाह रोड, पत्थर की मस्जिद, टेकारी रोड, नौघरवा, सुल्तानगंज थाने की तस्वीरें लाइव सिटीज आप तक पहुंचा रहा है, ताकि आप देखें कि किस तरह से सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। सड़कों पर लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 1 पॉजिटिव मरीज सुल्तानगंज में मिला है। तो आपने लाइव तस्वीरें देखी 5 बजे की, जहां पर
सुल्तानगंज में सैनिटाइजेशन का काम अलग अलग इलाकों में चल रहा है। साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया कि किन जगहों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। आप अगर सुल्तानगंज के हैं तो खुद को घरों में बंद कर ले, कोशिश करें कि खुद को सुरक्षित रखें। जब तक आप घरों में रहेंगे कोरोना वायरस का खतरा आपसे दूर रहेगा, आप सुरक्षित रहेंगे। लाइव सिटीज के साथ बने रहे, तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर हमारे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ ये वीडियो अगर आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।